अस्सलाम वालेकुम। इंसान दिन भर में जो भी करता है, चाहे कोई मुश्किल काम हो या किसी बात पर ज़्यादा फोकस करे, तो वो उसी काम और उसी बात को रात में अपने ख्वाब में देखता है। इसके अलावा बहुत से ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिसके बारे में इंसान ने दिन में नहीं सोचा होता, मगर वो चीज़ें और वो काम इंसान के ख्वाब में फिर भी आते हैं। मगर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि सोते वक्त हमारे ब्रेन या बॉडी में ऐसा क्या होता है जिसके नतीजे में हमें ख्वाब आते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन भर सोए रहते हैं मगर उनको कोई ख्वाब नहीं आता। ऐसा क्यों है, ये जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो हमारे साथ रहिएगा। माहिरीन के मुताबिक सबसे ज़्यादा ख्वाब आपको REME स्टेज में आते हैं। REME स्टेज से मुराद रैपिड आई मूवमेंट है। ये स्टेज आपके सोने के ठीक 90 मिनट बाद शुरू होता है और इस स्टेज के दौरान हमारी ब्रेन एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इस स्टेज के दौरान हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जो कि हमारी बॉडी को पैरालाइज कर देता है। ऐसा करने का मकसद ये होता है कि ताकि अगर आप कोई बुरा ख्वाब देख रहे हो, मसलन आप ख्वाब में किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, तो आप रियल में ना भाग सकें। फिर REME स्टेज के दौरान हमारी आँखें आगे पीछे मूव करने लगती हैं, हमारी पल्स, ब्लड प्रेशर और ब्रीथिंग का अमल स्पीड अप हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बात को किस तरह जाना गया, यानी कि माहिरीन को कैसे मालूम हुआ कि इंसान REME स्टेज में सबसे ज़्यादा ख्वाब देखता है। माहिरीन ने इस स्टेज से जब भी किसी को उठाया तो उसने उठने पर यही बताया कि वो ख्वाब देख रहा था और उसका ख्वाब उसकी दिन भर की सोचों पर मबनी था। अगर आपको REME के स्टेज से कोई एकदम से उठाए तो आपकी बॉडी को एक्टिव होने में कुछ वक्त लगेगा। इस स्टेज के दौरान आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर और स्वेटिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते। आप सब ये जानते हैं कि ख्वाबों की बहुत सी किस्में होती हैं। एक ख्वाब वो भी होता है जिसमें पर्सन ये जानता है कि वो ख्वाब देख रहा है, यानी कि उसको सोते वक्त इस बात का इल्म होता है कि वो इस वक्त ख्वाब देख रहा है और वो अपने इस ख्वाब पर काबू भी पा सकता है। इस टाइप के ड्रीम को ल्यूसिड ड्रीम कहा जाता है। ये ख्वाबों की वो टाइप है जिसके अंदर इंसान खुद ख्वाब बनाता है। अब बात करते हैं प्रीमोनिशन ड्रीम की। ये वो ड्रीम यानी वो ख्वाब होता है जिसमें इंसान को इंसान के फ्यूचर का रास्ता देखने को मिलता है, यानी कि इस टाइप में देखे जाने वाला ख्वाब सारा सच्चा होता है। मतलब ये कि इंसान ख्वाब में जो भी देखे वो कभी ना कभी ज़रूर होता है। बहुत से लोगों के मुताबिक ये ख्वाब सच्चे इसलिए होते हैं क्योंकि ये सुबह में दिखाई देते हैं, लेकिन अभी तक इस बात का कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो दिन भर सोते रहते हैं मगर इन्हें कोई ख्वाब नहीं आता। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे में भी कोई साइंस है? ज़्यादा सोने के बावजूद भी ख्वाब नहीं आते। माहिरीन के मुताबिक ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो स्लीपिंग डिसऑर्डर में मुब्तला होते हैं, मसलन चारकोट विलब्रेंड सिंड्रोम, इन शॉर्ट CWS। ये एक ऐसा स्लीपिंग डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को कोई ख्वाब नहीं आता। क्या आप जानते हैं कि ड्रीम्स हमारे लिए अच्छी होती हैं या बुरी? ख्वाब आपके लिए अच्छे होते हैं मगर ख्वाबों की भी नौइयत होती है। मसलन आप सोते वक्त अच्छा ख्वाब देख रहे हैं तो आप अच्छी नींद सोएंगे, मगर कई बार इंसान बुरे ख्वाब भी देखता है, यानी कि कहीं से गिर जाना या कुछ बुरा होना वगैरह। इस टाइप के ख्वाब इंसान की नींद ख़राब कर सकते हैं और इंसान ठीक से सो भी नहीं पाता। आज के लिए इतना ही। मजीद ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसी और नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।